ऑल राइट जी, ये वीडियो वैसे तो इस चैनल के ऊपर सबसे लास्ट वीडियो में से एक होना चाहिए था, बट मैं इसको पहले इसलिए डाल रहा हूँ कि जिस तरह लेह लद्दाख का जो रास्ता है वो खुल गया है और बहुत सारे टूरिस्ट जा रहे हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ जर्नी करता हूँ और इस बार काफ़ी टफ था लद्दाख, तो मुझे लगा आपको थोड़ा सा रास्ता शेयर करना चाहिए जिससे आपके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा अगर आप प्लान कर रहे हैं। तो आज का जो पार्ट है इसके अंदर हम गए थे लेह से पांग और जो नेक्स्ट आएगा वो है पांग से मनाली तक का। इस वीडियो के अंदर जो मेन हर्डल था वो था स्नोफॉल या स्नो, और जो पांग से मनाली का रास्ता है उसके अंदर तो ऑलमोस्ट रोड है ही नहीं, बहुत टफ था। डुएबल है बट थोड़ा सा आपको केयर करने की ज़रूरत है, अगर आप देख लेंगे रास्ते को तो थोड़ा सा अपडेट हो जाएंगे। इस बार हमने जो सर्किट किया था लद्दाख का वो क्या था, वाया स्पीति। तो मेरे लिहाज से ये फर्स्ट गुरखा BS6 होगा जिसने स्पीति सर्किट को पूरा कर लिया है एज़ पर सोशल मीडिया। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं लद्दाख से पांग तक का, और नेक्स्ट आपका शेयर करूंगा पांग से मनाली तक का। स्टे ट्यून्ड। तो जी फाइनल सीन क्या है, हम जा रहे हैं मनाली की तरफ से। उसका रीज़न ये है कि हमें रास्ते के अंदर कुछ टूरिस्ट मिले थे, वो भी हमारे साथ जाने को बोल रहे हैं, तो उनका प्रोग्राम है मनाली का, तो वो कह रहे हैं कि सर इकट्ठे ही चलते हैं, तो दैट्स वाई हमने कहा चलो इकट्ठे बना लेते हैं प्रोग्राम। और ये जो टूर है मनाली वाला ये थ्रिलिंग होने वाला है, क्योंकि हम जब आए थे तब भी बहुत ख़राब रास्ता था। तो चलिए जाते हुए भी आपको एक बार अपडेट दे दूंगा कि अभी फ़िलहाल लेह से मनाली तक की रोड कंडीशन क्या है। ए वेरी 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 गुड बाय टू लेह। अगले साल देखते हैं या अगस्त के अंदर देखते हैं, शायद फिर से आए यहाँ पे अगर टाइम मिल गया तो। बाकी इस ब्यूटीफुल जगह को मेरी तरफ से गुड बाय। तो ये हैं जी हमारे फ्रेंड्स, दिल्ली नंबर की गाड़ी है, चले बस चलो सर। बिल्कुल रेडी रेडी है सर, बिल्कुल आप साथ और किसी चीज़ की। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मौसम जो है देखिए ख़राब हो रहा है, और ये बता रहे आगे मिलेगा स्नोफॉल। लद्दाख का इस बार का हमारा टूर स्नोफॉल लद्दाख टूर है, और तंगलंगला की स्नोफॉल वेरी डेंजरस।
सो वी आर एट तंगलंगला, हाइट है इसकी 17,482। तो बैक टू बैक सीज़न के अंदर ये दूसरी बार है, पिछले बार भी हम यहीं आए थे और इस बार भी हम तंगलंगला को पहुंच पाए हैं। तो वही आ रहा है डैबरिंग और स्नोफॉल आप देख रहे हैं, मेरे ऊपर भी आ रही है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। बट ये डर है थोड़ा सा कि आगे ज़्यादा स्नोफॉल ना मिले, क्योंकि आज हम सोच रहे हैं कि कम से कम जितना हो सके मनाली के पास तक जाया जाए। ये देखिए भाई, गुरखा ना गई है इस बार तो स्नोफॉल ही स्नोफॉल में। उधर हमारे साथी आने वाले होंगे, वो कहीं पीछे रह गए हैं। ये तो बाइक करा रहे हैं, इसके बाद आएंगे। हम रुके हैं, ये सैम्स किट करके कुछ है, यहाँ पे लगा हुआ है बाथरूम, रूम अवेलेबल विद बाथरूम। ओके, आपका ही है जी? हाँ जी। क्या चार्जेस रहते हैं? हाँ जी। रूम के? हाँ। रूम के क्या चार्जेस रहते हैं? पैसा पैसा कितना रहता है रूम का? 300। 300 रुपये रूम? हाँ, एक मिनट। बाथरूम भी है? बाथरूम है। आई थिंक इनके पास डीजल भी है। अच्छा। हाँ, ये भी दे रहे थे। बता रहे हैं क्या? कैरोसिन ऑयल तो देखा है मैंने, कैरोसिन ऑयल तो हो रहा। जो ट्रक आ रहे हैं इनके ऊपर तो ज़्यादा बर्फ नहीं दिख रही, बाकी कुछ कह नहीं सकते अभी, क्योंकि उधर पैक लग रहा है मौसम। ये देखिए, कमाल ही हो रहा है भाई। एक तो स्नोफॉल हो रही है, इस चिड़िया को देखिए, स्नोफॉल के अंदर ही घूम रही है, क्या बात है भाई। और भी आ गई हैं चिड़िया। ये आ गए हमारे भैया, ये ना यंग ब्लड है ना, तो इसलिए मस्तियां कर रहे हैं वहाँ पे तंगलंगला पे। हम बुजुर्ग आदमी बहुत अच्छा लगा सर, ऊपर बहुत सारी फोटो खिंचवाई। हाँ, आ जा आ जा खरगोश, तू भी आ जा। अब देखिए जी नज़ारा, हे भगवान। इससे ज़्यादा तो कैमरा बिगने लग रहा है, अब रखता हूँ अंदर, नहीं तो ख़राब हो जाएगा भाई।